आदम को देखने को मिले. फर्स्ट वाला वाज ऑल अबाउट जो एक ओपन एरिया फाइटिंग पोटेंशियल होती है टीम्स की उसके बारे में, एंड सेकंड वाले में आपके थोड़ा प्रोननेस और पैसिव प्ले स्टाइल पे थोड़ा ज्यादा रिलायंट हो गए टीम्स. बट स्टिल इट वाज अ क्लोज क्लोज फिनिश बिटवीन द टीम्स. एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर चलते हैं आज की आफ्टर द फोर गेम्स. तो नीचे से शुरू करते हैं. INAS सिटिंग ऑन 28, डेड आई गाइस ऑन द 19th पोजीशन आफ्टर फोर गेम्स 15 पॉइंट्स. सोल है 18वीं पोजीशन पे 19 पॉइंट्स के साथ. मार्कोस गेमिंग 17वीं पोजीशन पे 21 पॉइंट्स. जैन मारा है सोलहवीं पोजीशन पे 23 पॉइंट्स के साथ. एलिमेंट ट्रिक्स है 15वीं पोजीशन पे 24 पॉइंट्स. टीम हाइप ऑन द 14th विद 27 पॉइंट्स. तो एलिमेंट ट्रिक्स की तरफ से इधर हमें काफी मैसिव ड्रॉप देखने को मिल रहा है. सेम गोज फॉर जैन मारा. जैसा इनिशियल परफॉर्मेंस था वहां से काफी नीचे आ चुके हैं आजकल. बट स्टिल अभी टाइम है वीक 2 के मैचेस और सीरीज खत्म होने में. टीम तमिलाज आज उतना लेवल पे परफॉर्म वंस अगेन नहीं कर पाए. 13th पोजीशन पे फनेटिक के लिए सेम. 12th पोजीशन टीम एक्सट्रीम ऑन द 11th. बट अब बारी होगी वो जानने की कि आज का प्राइस पूल किन तीन टीम्स के बीच में स्प्लिट होने वाला है. एंड फॉर दैट वी आर गोना हैव द टॉप 10 ऑन आवर स्क्रीन्स. एंड इट्स गोना बी यू मुंबई RXN ऑन द फर्स्ट पोजीशन 59 पॉइंट्स. ऑरेंज रॉक्स सेकंड पर रहेगी 54 पॉइंट्स. एंड सेल्स रहेगी तीसरे स्थान पर 51 पॉइंट्स के साथ. बट स्टैंडिंग्स में अगर नीचे नजर डाले तो INDS है चौथी पोजीशन पे. एंटिटी पांचवी पर. सिनर्जी छठी पोजीशन पे. मेगा स्टार सातवीं पोजीशन पे. गॉडलाइक आठवीं पे. पावर हाउस नाइन्थ पोजीशन. एंड BSG क्रॉलर्स 10th पोजीशन पर.